नमस्कार बंदे मातरम, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। आज की खास बिग ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खास खबर। दो अक्टूबर से शुरू हुआ ये कार्यक्रम 27 दिसंबर 2023 को लखनऊ में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 15,000 से 20,000 अंगदेशक एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। सैकड़ों लोगों ने एक सुर में कहा, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मीडिया के समस्त चैनल लगभग कवर करने उपस्थित थे। अंधेशक न्यूज़ सुबह से ही लगातार हर उस पल को कवर कर रहा था जो कि अंधेशकों से संबंधित और अंधेशकों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए नाकाफी था, बल्कि हर पल को कवरेज करके लगातार अंधेशकों तक, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा था। इसी बीच विक्रम सिंह, जो कि इस कार्यक्रम का, इस धरना प्रदर्शन का दामोदर लिए थे, उनको शासन से बुलावा आता है और पूछा जाता है कि आप किससे मिलना चाहेंगे। पहले क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव रखा गया, दूसरे में अपर मुख्य सचिव, उसके बाद शिक्षा मंत्री। तमाम मीडिया के चैनल अंधेशकों की इस आवाज़ को लगातार दिखा रहे थे, उनकी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे थे। इसी बीच विक्रम सिंह जी को बुलावा जाता है शासन से और उनकी मुलाकात डिप्टी सीएम श्रीमान ब्रजेश पाठक जी से करवाई जाती है। वो तुरंत अपना ज्ञापन लेकर माननीय डिप्टी सीएम जी के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर माननीय डिप्टी सीएम बड़ी तल्लीनता और ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि वो पूर्व में भी अंधेशकों की समस्या से अवगत थे। इसलिए तुरंत परियोजना कार्यालय फ़ोन कर उन्हें उनकी समस्याओं का हल करने के लिए कहते हैं और भेज देते हैं। वहां से सीधा विक्रम सिंह अपने प्रदेश कार्यकारिणी के साथ परियोजना कार्यालय पहुँचते हैं, जहाँ पर परियोजना निदेशक जी से वार्ता होती है और उन्हें 15 दिन का वक्त दिया जाता है। कहा जाता है कि 15 दिन के बाद आपके समस्या का समाधान होगा, तब तक के लिए आप अपने इस धरने को स्थगित करें। विचार विमर्श करने के बाद विक्रम सिंह उस धरने को समाप्त कर देते हैं और ठीक 15 दिन बाद आने का कहते हैं कि मैडम, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम 15 दिन बाद पुनः आपके समक्ष आएंगे। ठीक किए हुए वादे के अनुसार विक्रम सिंह 15 दिन बाद लखनऊ, यानी कि 8 तारीख की शाम लखनऊ के लिए रवाना हो जाते हैं गोरखपुर से, और सुबह 9 बजे गोरखपुर पहुँच कर राज्य परियोजना कार्यालय पहुँच जाते हैं। पूरा दिन प्रयास करने के बाद उनकी मुलाकात किसी भी शासन प्रशासन के अधिकारी से नहीं हो पाती है। पुनः अगले दिन यानी कि 10 तारीख को प्रयास करते हैं और अपर्णा यू सचिव वैश्विक शिक्षा विभाग से बात होती है। मैडम ध्यानपूर्वक समस्त मांगों को जानती हैं, समझती हैं और कहती हैं कि आपकी मांगें जायज़ हैं, आपकी समस्याएं
अत्यंत गंभीर हैं। मैं अपने स्तर से हर जगह आपकी बात रखूंगी, राज्य परियोजना की मीटिंग होगी उसमें भी रखूंगी, शासन प्रशासन की हर मीटिंग में मैं आपकी बात रखूंगी। हालांकि अन्वेषकों की इस समस्या से पहले अवगत नहीं थी, लेकिन अब आपके बताने के अनुसार मैं आश्वस्त आपको करना चाहती हूँ, आपकी मांगे जायज़ हैं और आपकी मांगे अवश्य एक दिन पूरी होंगी। विक्रम सिंह एक बार फिर से डिप्टी सीएम जी को दिए गए उस मांग पत्र, उस ज्ञापन को जानने समझने के लिए पता लगाते हैं, जिसमें पाते हैं कि वो लेटर पूरे शासन प्रशासन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। यहाँ पर हम वो लेटर आपको दिखाना चाहेंगे जो शासन प्रशासन में सबसे तेज़ी से दौड़ रहा है। आप देख सकते हैं 28/12/2023 का माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को दिया गया ये लेटर, जिसमें उन्होंने अन्वेषकों की वो सभी समस्याएँ लिखित रूप से दी गई हैं जो कि इस समय शासन प्रशासन में लगातार हर टेबल पर जा रहा है। साथ ही जिसके पास ये लेटर पहुंच रहा है वो अपना सिग्नेचर मोहर करके उसे आगे बढ़ा रहा है। मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने भी इसको आगे बढ़ाया है। ओम प्रकाश जी निजी सचिव उप मुख्यमंत्री जी के हैं, उन्होंने भी इसको साइन करके आगे बढ़ाया है। और साथ ही सुंदरम सर ने भी इसको आगे बढ़ाने की कृपा की है। आप देख सकते हैं विद प्रूफ के, क्योंकि अन्वेषक न्यूज़ वही खबर दिखाता है जो सत्य और ऑथेंटिक है। श्रीमान प्रमुख सचिव सुंदरम साहब के 1 तारीख को इसको लेटर को आगे बढ़ाया गया है, और ये साथ ही विशेष सचिव ने भी इसको सिग्नेचर कर आगे बढ़ाया है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। लगातार ये लेटर अपनी पावर दिखा रहा है, अन्वेषकों की मांग को पूर्ण करवाने के लिए हर टेबल पर शासन प्रशासन की चाह रहा है। अब देखते हैं आज 11 तारीख में क्या राज्य परियोजना निदेशक मैडम से बात हो पाती है, क्या उनसे आश्वासन मिलता है, किन किन मांगों पर सहमति बनती है। ये एक बड़ी बात होगी, बड़ी खुशखबरी होगी। लगातार हम दिखाते रहेंगे अन्वेषकों से संबंधित हर वो खबर जिसकी रहती है आपको जरूरत। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।